Welcome or welcome back to my channel. If you're new here, I'm Sadina and I make lifestyle videos on YouTube. So, आज मैं after I came back to Darjeeling, first time Darjeeling जा रही हूँ after like 2 years of course because घर आई थी 2 years के gap में. So, I'm going to Darjeeling after 2 years and yeah, just wanted to vlog. Sudiksha is here. भाई भी यही है. हमारा को पैसेंजर इधर और बैक में ही हमारा ब्यूटीफुल बैनीस जेनिहांग बैनीस जेनिहांग एंड श्रद्धा स्वास्तिका और हाँ मुझे पता नहीं है क्या करूंगी आज जस्ट रैंडम होगा क्या क्या करूंगी दार्जिलिंग में इतना घूमने के लिए तो नहीं क्योंकि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट का काम भी है सुदीक्षा का भी एंड दीज टू आर रिटर्निंग टू सिलीगुड़ी वेर एवर आई गो और प्रणीक्षा राय सभी आ रहे हैं तो उन लोगों से भी बात भी मिल सकती हूँ सो आई विल कीप यू अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो टिल द एंड ओके एंड या आई एंड आल्सो आई होप यू लाइक्ड द प्रीवियस वीडियो वी had an amazing time family time अच्छा लगा होगा आप लोगों को that was yesterday मैंने अभी तक वो वीडियो एडिट तो नहीं किया है फिर भी बता रही हूँ बिकॉज वो लाइक वीडियो करने में इतना मजा आ रहा था कितना तो दिखा नहीं सकते थे क्योंकि और टाइम हमारा कैमरा पास में नहीं होता बट या आई होप दैट यू गॉट दैट वाइब फ्रॉम दैट वीडियो ऑल राइट देन I spoke a lot. I'll see you later. Hey guys, I'm Abhi Singh Mary K. Famous Sushilanti K. Minyani ka rahe hai alam ni. This was our first time. Pehle aate time bhi nahi khaya tha na. Haan. I was really craving for food. Not mini aur aloo ka jhol hota hai isme. इसे ये सिर्फ दार्जिलिंग में मिलता है सिक्किम में भी नहीं मिलता है कालिम्पोंग में भी नहीं मिलता है कालिम्पोंग में भी सुशलांटी हाय भनिदिनु आन्टी त पुरा आउँछ नि फेरि युट्युबमा पुरा आउँछ नि आन्टी हामी नदेखेको है न आन्टीलाई खुसी लाग्छ गाइस यही है मोमो लाइक सब्जीका मोमो बेस्ट भर्जन उसले चाहिँ यहाँनिर उसले मिक्स इज द्याट आलु मिमी एन्ड सब्जीका मोमो खाउ त आई डोन्ट लाइक भेज मोमो खासमा कि तर यहाँको चाहिँ अर्कै है कस्तो भयो बिरयानीको बिरयानी बोल्दै मोमोको चाहिँ मोमो बोल्दै गाइस दार्जिलिङ स्ट्यान्ड आ गया जस्ट रिच दार्जिलिङ स्ट्यान्ड सिंहमारी में बहुत खाके मोमो और मिमी आलू खाके हम पहुंच गए और भाई पहले ही आया हुआ है सुपरमार्केट में दैट्स आवर ओल्ड सुपरमार्केट ये वाला हम वहां पे जाएंगे पहले भाई को मिलने के लिए अभी हम ओरिएंट के यहाँ पे चल रहे हैं पूरा देखिए कपड़ा सस्ता तो के भन्नु भुइँको ओ भुइँका यार इतना अच्छा अच्छा सस्ते में मिलता है यहाँ पे तो कति रे 150 यो पनि 150 कस्तो भिड छ कि हमारा पोस्ट ऑफिस जाने वाला काम है ना इसीलिए दार्जिलिंग पोस्ट ऑफिस अब गाइस क्या करे मेरा ये पोस्ट ऑफिस का काम भी नहीं हुआ और जो मैं फूड एंड सप्लाई में जाके काम करने वाली थी वो भी नहीं हुआ क्योंकि फूड एंड सप्लाई ऑफिस सुरक्षा तीन शूलेस और फूड एंड सप्लाई का ऑफिस बंद है आज क्योंकि आज सम गवर्नमेंट हॉलीडे है इसीलिए तो हमने सोचा क्योंकि इतना ऊपर आ गए एकदम हमने सोचा थोड़ा चौरास्ता घूम के आ जाए क्योंकि भाई कभी कभी ही जाते क्योंकि ये कालिम्पोंग से दार्जिलिंग से नहीं है तो हम जा रहे थोड़ा सा चौरास्ता घूमने के लिए
और देखेंगे क्या होता है। तो गाइस हम कैपिटल हॉल आ गए हैं। तो कैपिटल हॉल और इसके बिहाइंड है म्यूनिसिपैलिटी हॉल और म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने बनाया था तब बिफोर इंडिपेंडेंस में। दार्जिलिंग में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर हैं ना, लाइक यहाँ पे लाइटिंग और लगाया हुआ है तो नाइट में बहुत प्रिटी दिखता है। एंड हम यहाँ से जाते हैं चौरास्ता, क्लब स्टैंड आने वाला है इधर, हम यहाँ से जाते हैं चौरास्ता। आई मीन चौरास्ता, वी आर इन चौरास्ता। आउने त फाइनली वी आर इन चौरास्ता। हाई चौरास्ता, टूरिस्टिंग इन ओन प्लेस फील्स डिफरेंट बट इट्स रियली नाइस। ऑक्सफोर्ड बुक एंड स्टेशनरी वहाँ पे है, मॉल मार्केट इधर है। लेकिन मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो टूरिस्ट के लिए कपड़ा वगैरह होता है ना और बहुत क्राउडेड होता है तो मैं नहीं जाती। के हुँदैछ स्कुटीहरू लानु पाउँदैन नि त, लाइक बाइक गाडी बाइकहरू। सो इफ दे टेक अल्सो दे हेभ टु जस्ट यु नो पुस इट, है हात से पुस करके ले जान पर्दा, लाइक स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं राइड कर सकते। यहाँ पे देखे पिजन्स को, और बट आज घोड़ा का ट्रा वो है क्या, स्ट्राइक है क्या? एक भी घोड़ा नहीं है। घोड़ा स्टेबल तो उधर है लेकिन घोड़ा बहुत सारे होते थे यहाँ पे। राइड लास्ट टाइम हमने राइड किया था, हमारा वीडियो भी है राइड किया हुआ ना बरसाना के पड़ते में। लेकिन घास चढ़ने गया होगा शायद। और हमारा पोएट, लाइक महान पोएट भानुभक्त जी, भानुभक्त आचार्य, घाँसी दरिद्र घरको तर मन कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। और या आई फिल सो गुड। अनि यहाँ पे वार्म भी है थोड़ा सा कम्पेरिटिभली नो, डाउन में कितना कोल्ड कोल्ड भएको त थोड़ा सा। अच्छा, और यहाँ पे ना फुल राउंड में वो है, आप कैसे करके दिखा दो, ये बहुत सारे वो है बेंचेस है और यहाँ पे आके लोग बैठते हैं। देखिए मेरे बच्चे लोग देखो ना, ये देख रहे खेल रहे। रिलैक्सिंग होता है तेरा कोई। Oh my god. Yeah. है प्रेसर बल जस्तो रहेछ हो, ठिकै बनाएको ब्ल्याक टी पिरहे अभी यहाँ पे चौरास्ता पे। मैं ब्ल्याक टी नहीं पीता, मैं काला हो जाऊंगा इसलिए मैं व्हाइट टी पीता हूँ। 60 ना, थोड़ी देर में पे करेंगे वहाँ पे बैठ के पीऊंगी। तो सब यहाँ घाम आवास रहती हूँ वाला। लव बर्ड्स को देखिए चाय के साथ। ये मॉल मार्केट है, यहाँ से ऊपर महाकाल धाम जाते हैं। आज हम नहीं जा रहे क्योंकि बहुत कुछ खाए हुए हैं और ऊपर जाने के लिए कुछ यू नो व्रत जैसा रखना पड़ता है, लाइक नॉर्मल खाना खाना पड़ता है। बट मन लाग्दैन नि, यू डोन्ट फिल लाइक है त्यो हुन्छ नि त, इसीलिए बहुत ये मन्दिर। अच्छा, ओह माय गॉड, मेरो बात मत सुनि, यो देखियो नो सी क्यामेरा, क्यामेरा चाहिँ नहीं आ रहा है बट सुन्दर दिखता है। मैंने अभी ये बाइक किया, ये मेरे घर के डोर में लगाने के लिए, और कुछ कुछ हाँ छोटा भी बाइक है ऐसे दीक्षा के लिए। यहाँ पे कुछ सोविनेस देख रहे थे, देखिए ड्रिंक कैचर एंड फ्रिज मैग्नेट्स, ड्रिंक कैचर्स उधर है, विन टाइम्स उधर है, भाई भी देख रहे हैं कुछ। वो इवल लाइक कर रहे हैं उधर, यो कति होला यो चाहिँ, यो वाला इभन लाइक हो, इभन लाइक हो। यस एन ओ माय गॉड, द फ्लावर इज आल्सो सो प्रिटी, ऐसे कैमरा से आता ही नहीं लेकिन ना प्रिटी दिख रहा है मेरे नेकेड आई से।
और फॉग के वजह से वी कांट सी एनीथिंग, बट यहाँ से इतना सुंदर नजरिया दिखता था। अदरवाइज उधर तक जाता है मंदिर, इधर से जाते ऊपर जाना पड़ता है मंदिर के लिए महाकाल। मेरा शॉपिंग देख लीजिए, यही है। और हम चौरास्ता छोड़ के जा रहे हैं अभी। और प्रणीक्षा, आई डोंट थिंक आई बी एबल टू मीट प्रणीक्षा एंड आयशा, क्योंकि उन लोगों का डॉक्टर दिखाने का काम है। और आयशा आई थिंक शी विल डायरेक्टली गो। हमारा एक्चुअली लंच साथ में खाने का प्लान था, लेकिन आयशा का कुछ वो डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, इसीलिए आई डोंट थिंक शी विल हैव नॉर्मल फूड। इसीलिए वो जाएगी आई थिंक डायरेक्टली। और मैं भी बहुत लाइक फुल है मेरा पेट भी, सो विल हैव टू सी इफ यू आर गोना हैव फूड और नॉट। यहाँ का सीसीटी चला गया रहेछ है, ए गोल्डन टिप्स राखेछ नि त। इस ये गोल्डन टिप्स जो है ना, इस यहीं पे सीसीटी हुआ करता था पहले। और पहले पहले जब फर्स्ट टाइम में हम रेस्टोरेंट्स कैफेज एक्सप्लोर कर रहे थे दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे आए थे और चार कप कॉफी और समथिंग वी हैड हैड ओके लाइक स्नैक्स जैसा। और उसका बिल आया था उस टाइम में, उसका बिल आया था आई स्टिल रिमेम्बर 1200 एंड चेंज। एंड इतना ज़्यादा लगा हमको, पे करके तो निकल गया। हो हाय पे करके तो निकल गया, लेकिन फिर इधर घूमते घूमते हमें लाइक डाइजेस्ट ही नहीं कर सका। ओके देन वी केम बैक अगेन योर फिलोमिना और में केनी और में, और हमने ये बिल क्यों इतना ज़्यादा आया करके क्लैरिफिकेशन मांगा था। इट वॉज सो फनी यानी रॉ गोल्डन टिप्स में हुई होता के लिए, सो दैट दीज आर द मेमरीज। पहले वाला तो हमने बताया था ग्लेनरीज जाने के लिए ना, हमें पता ही नहीं था कौन सा फ्लोर में जाए। ओके सो ग्लेनरीज जाने का प्लान घर से बना के आ गया दोस्तों के साथ। एक ये भी कहानी बता दो, घर से पता के आ गया ओके बना के आ गया, लेकिन वहाँ पे जाके कहाँ से जाए वही पता नहीं। ग्लेनरीज कहाँ से जाए, ग्लेनरीज ये पता है लेकिन कौन सा फ्लोर में जाए कहाँ से जाए पता नहीं। इसलिए हम वहाँ पे कितने देर तक इधर उधर करता रहा जस्ट टू ऑब्जर्व पीपल फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग इनसाइड करके, एंड देन फाइनली वी यू नो वी गॉट दैट गॉट दैट करेज टू गो इनसाइड एंड आस्क, लाइक वी कुड हैव जस्ट गॉन देयर एंड आस्क, सिंपल एज दैट नो। बट हमने ऐसा किया था, लाइफ हम भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बट ऑल्सो दोज वर द लाइक यू नो इनिशियल फेज ऑन द लर्निंग फेज थे ना, सो या आई एम प्राउड, वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, या सो या एंड या वी क्रिएटेड लॉट, नो बट वी क्रिएटेड लॉट्स ऑफ मेमोरीज ऑल्सो, इट्स ओके। प्रीति देखो, प्रीति प्रीति यू मलाई थैंक यू। आर्टिस्ट काम हो नि त एक्चुअली। दामी गाउँछ है, ट्युनहरू मजाले बनाउँदै, एन्ड उनीहरूले गीत गाएको गीत क्या इट्स डिफरेन्ट वाला गीत क्या, त्यो हामीले त्यतिकै नर्मली गाइरहेको गाउने हुँदैन, गायो भने पनि अर्कै हुन्छ। के भन्छ त्यो उनीहरूले इन्स्ट्रुमेन्ट चलाएको रेयर नाउ डेज क्या, सारङ्गी बिल्डिङ मे उपर उपर कहाँ जा रहे भाई ने सस्पेन्स ब्रेक कर दिया। सुदीक सा हामी थ्रिफ्ट स्टोर ले जा रहे दार्जिलिङ फ्यासन के अरे दार्जिलिङ फ्यासन ट्रेडिङ हब भरे नि त, सो थ्रिफ्ट स्टोर जा रहे इधर वेट मार्डी हियर। ए उल्टाबाट भन् त, फ्रन्ट क्यामेरा आइएम युजिङ द्याट्स वाइ आई एम युजिङ फ्रन्ट क्यामेरा द्याट्स वाइ नट फ्रन्ट क्यामेरा आइएम युजिङ ओके गाइस आई शो यु सुदीक सा देखो। ये भी छूट नहीं मिलेगा, विश्वास दे आप लोगों को। पॉप फॉर वैसे तो यहाँ माई 1500 सो हम वहाँ पे गए थे दिल्ली बाजार में, दिल्ली बाजार ना बनी त्यसो भए दिल्ली बजार सस्ता बजार गए थे, 10-20 रुपियाँ करके बुलाए, लेकिन अन्दर में था 60 रुपीज ऐसा वाला सामान। फिर भी हमने एक दो चीजें खरीदा, बहुत कंजेस्टेड वाला प्लेस था। अभी बहुत टायर्ड हो गया इधर उधर जाके, क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ता है और मैं बूट लगा रहे हो ना, तो मेरा नेल थोड़ा सा बड़ा हो गया। यही हो ए हम यहाँ पे फार्मेसी में आने वाला काम था, इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल लाइन में। अब आई थिंक यहाँ से मैं खाना खाने जाऊंगी और क्या हुआ यहाँ पे प्रणी मुझे गाड़ी में बुला रहा है इसलिए मैं डायरेक्टली जा रही हूँ सुदीक्षा का भाई बोल के। अतर पड़ गया। ओके सुदीक्षा बाय बाय बॉय सी यू नेक्स्ट। हम सिलीगुड़ी में मिलेंगे और भाई मुझे ड्रॉप करने जाएगा। हुन्छ दाजु जान्छु ल बाय भन्दिनु न भिडियो में भिडियो में भन्दिनु न आई बाय दुईटा यूट्यूब हो नि त मेरो। सुदीक्षा बाय ल सिलीगुड़ी में भेट्छु ल। कताबाट जानु? म चाहिँ अहिले यहाँनिर हाम्रो फार्मेसीमा छु नि त यो थाना लाइन उयो लाइनमा हस्पिटल लाइनमा त्यही भएर यताबाट जान्छु गएको ल। सो आई एम गोइङ डिरेक्टली प्रणिमको गाडीमा एन्ड भाइ मुझे ड्रप गर्ने जा रहा है फिर से बता रही हूँ। और मुझे खाना भी अश्विना से मिल लिया इसीलिए थोड़ा सा वीडियो एंड करना पड़ा था। तो आई एम गोइंग डायरेक्टली टू गाड़ी। अब डायरेक्टली कई सामान भी नलगिकन आई एम नॉट बाय एनीथिंग बिकॉज टाइम नहीं मिला और मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मॉम दूध लेने को बुलाए वो मैं सिंहमारी से लेके जाऊंगी और आई एंड दिस ब्लॉग आफ्टर आई रीच होम। ओके मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ। प्रणी मुझे छोड़ के चला गया जल्दी जल्दी करके भी नहीं हुआ तो फिर ये लाइक पैसेंजर टैक्सी में बैठी हुई हूँ और हम ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। गाड़ी तो फिल हो गया 10 पीपल का कैपेसिटी है अब फिल तो हो गया। आई बन ब्लग यो आउँछ युट्युबमा आउँछ नानीले हेर्छ नि छोरीले नेहा आमालाई भेटे मिस मेरो मिस हुनुहुन्छ यता अनि मिसको छोरी एन्जेला है मिस नाम एन्जेला कम्ती ठुलो भएको छैन अलरेडी इन फोर्थ स्ट्यान्डर्ड रेहान बी हेर के त माई स्टुडेन्ट जस्ट फर्स्ट आउट 10th स्ट्यान्डर्ड मैं बुढ़ी हो गई अब मैं बुढ़ी हो गई। आई सी यू व्हेन आई रीच होम। मैं सुशील आंटी की दुकान फिर आ गई। गाड़ी उधर रुका हुआ है तो मैं यहाँ पे आ गई सैफली लेने के लिए। आंटी ऐसे मोमो बना रहे हैं। दिस इज द बेस्ट सब्जी मोमो एंड बेस्ट आलू मिमी यू विल एवर एवर फाइंड ऐसे है। और आंटी है इधर। आंटी कैसे हो बता दो ना कैसे हो हिंदी बोलना ना अलग से ठीक है कैसे है प्लेट का 40 रुपीज पर प्लेट 8 पीसेस 40 रुपीज सब्जी मोमो परफेक्ट है साइज भी बड़ा बड़ा है देखिए। और आलू बीबी तो यहाँ का पूछो ही मत नो हुन्छ आंटी यहाँ यता सैफले मांग्छु ल दाजु भयो हुँदैछ है सैफले बन रहा है मेरा दाजु के दुकान में। सो गाइस ये सैफली मैंने ले लिया ये मोमो जैसा है लेकिन फ्राइड में एंड रोटी के शेप में होता है आलू पराठा जैसा बट अंदर में वो चिकन का फिलिंग होता है। और ये है स्कूल यहाँ पे मेरा डैड का वर्क प्लेस है। आई जस्ट रीच्ड होम और बहुत थकी हुई हूँ अभी थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है चेंज भी नहीं किया है मैंने आज यही ड्रेस में शुरू करके इसी में ही खत्म कर दिया क्या क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। आई गो थ्रू द वीडियो एंड सी इफ दैट कैन बी मेड इनटू वन यू नो व्लॉग अगर होता है तो यू विल बी वॉचिंग दिस और यू वुड हैव वॉच दिस ऑलरेडी और क्या बताऊँ। सो या इट वॉज अगेन अ मेमरी एंड मोर व्लॉग्स आर कमिंग अप। अभी आपके यू नो आपके दोस्त का लाइफ अच्छा नहीं है एक्चुअली जो दिख रहे हो ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली इधर छुट्टी में नहीं काम करने के लिए आई हूँ ओनली सैटरडे संडे छुट्टी होता है और काम भी नाइट शिफ्ट है फुल नाइट शिफ्ट। थोड़ा सा चाय पी के थोड़ा दोस्त भी आने वाले हैं दैट इज़ ऑफ कैमरा थोड़ा वो भी आने वाले हैं थोड़ा देर बात करके आई टेक रेस्ट एंड स्टार्ट वर्किंग बिकॉज दिस गर्ल हैज़ टू वर्क।
Yeah, anyway, thank you so much for watching this video till the end if you're still watching. And again, I'm telling you, subscribe nahi kiya hai to subscribe kar dijiye please. And if you like this video, please give a thumbs up. And yeah, I'll see you in the next video. Bye bye.